नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमारे पास है पोको का X2, जो कि डेड मोड में है। फ़ोन हमारा डेड है, ऑन नहीं हो पा रहा है। तो हम इसके CPU पे काम करेंगे और CPU पे काम किस तरह से किया जाता है। और कस्टमर का कहना है कि ये जब बंद हुआ था, उससे पहले इसकी रिंगर बजना बंद हो गए थे, इसकी कैमरे काम करने बंद हो गए और इसका ना टच काम करना बंद हो गया। तो एक साथ अगर इतनी सारे प्रॉब्लम आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा CPU का फॉल्ट होता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम होगा तो चलेगा, बल्कि कई सारे प्रॉब्लम हमारे फोन में अगर जनरेट होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक मेन रीजन हमारा CPU का होता है। तो चलिए हम इसकी CPU को निकालते हैं और आपको रिवॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम फोन को डिसेंबल करेंगे। डिसेंबल करने के बाद मदरबोर्ड को हम लाएंगे अपनी टेबल पे और इसको इसके सबसे पहले सील्ड को रिमूव करेंगे। तो सील्ड को रिमूव करने के लिए हमें इसका सील्ड को हटाना होगा। तो इसके सील्ड के साइड का टेम्परेचर आप लो कर लीजिए। और इसका थोड़ा सा इसे पहले टेम्परेचर लो करने के बाद प्री हीट कर लीजिए।